इस बार हम लोग मांडर विधानसभा को भारी मतों से जीतेंगे और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार झारखंड में बनाने का काम करेंगे। पंजा छाप, उसके पक्ष में वोट पड़ेगा और 22 तारीख को हम लोग विजय दिवस मनाएंगे। पूरा परिवार समर्पित होके बंधु तिर्की जी और अब हम पूरे समर्पित रूप से उस क्षेत्र में हम लोग एक एक घर के लिए काम किए। आज नामांकन का दौर जारी था और नामांकन के क्रम में जो है कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया है। इसी कड़ी में खिजरी से कांग्रेस विधायक यानी खिजरी से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कच्छप ने नामांकन किया, तो वहीं दूसरी ओर मांडर से कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन दाखिल करने के साथ ही उन्होंने जीत का बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि भारी मतों से उनकी जीत सुनिश्चित होगी। तो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं नेता, सुनाते आपको। कि जनता ने और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पे दोबारा भरोसा जताया है। इस बार हम लोग मांडर विधानसभा को भारी मतों से जीतेंगे और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार झारखंड में बनाने का काम करेंगे। शिल्पी जी, इस बार आपके टक्कर में सन्नी टोप्पो है, कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, 81 विधानसभा में मांडर विधानसभा ऐसा विधानसभा है जिसमें हमेशा बंधु तिर्की जीत के आए हैं और बीजेपी ने बहुत सारा प्रयोग किया है, उनके हरेक हथकंडा को हम समझते हैं और इस बार भी वो कांग्रेस से जो खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का आप समझ ही रहे हैं, कांग्रेस के थे एक ज़माने में, कांग्रेस से यहाँ से लड़ते थे, 8,000 मात्र वोट लेकर आते थे, कांग्रेस को वहाँ पे परचम हम लोगों ने लहराया है इस बार और अब उस खोटा सिक्का को वो बीजेपी अपनाने का दूसरा प्रयोग कर रही है, करे देखे, मगर जनता अपना जवाब देगी। पूरा परिवार समर्पित होके बंधु तिर्की जी और अब हम पूरे समर्पित रूप से उस क्षेत्र में हम लोग एक एक घर के लिए काम किए, तो इसीलिए नतीजा अच्छा होगा, विनम्र से हम लोग अपने जीत को कबूलेंगे। उन सहयोग के बल पे इस बार इंडिया अलायंस खिजरी विधानसभा में 22 तारीख को, 20 तारीख को मतदान होगा। भारी से भारी मत इंडिया अलायंस के पक्ष में खिजरी विधानसभा में, जो इंडिया अलायंस का छाप है, पंजा छाप, उसके पक्ष में वोट पड़ेगा और 22 तारीख को हम लोग विजय दिवस मनाएंगे, ये हमारा कहना है। और आने वाले दिनों में कार्यकर्ता जितने भी जो तक तमाम लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। हाँ, तो चलेगा असीम सहयोग। तो सुना आपने कि कांग्रेस के प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा है, यानी एक जीत का बड़ा दावा भी किया है और उन्होंने जिस तरह से कहा है कि इस बार जो है चुनाव में उनकी जो सहभागिता होगी वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर होगी और ये जीत जो है सुनिश्चित करेंगे। अब देखने वाली बात हुई कि ये जीत किस तरह से उनके पक्ष में आता है। रांची से जीएन भारत के लिए मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।